हर एक को मेरा प्यार पहुंचे जहां तक ये आवाज जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारा देश का प्रेसिडेंट देशी बौद्ध से जिस प्रेस कॉन्फ्रेंसी के द्वारा लोगों को ये जिक्र किया था कि वो आज कुबा को रवाना होता, हम लोग को पता चल रहा है कि वो आज नहीं बल्कि आने वाले बुधवार को कुबा को रवाना होंगे अपने पत्नी फर्स्ट लेडी के साथ। सब लोग को पता है कि वो जा रहा है कुबा और उनका बैक हर्निया उपरासी के सिलसिले में, यह बैक हर्निया उपरासी के सिलसिले में प्रेसिडेंट बौतर्स बुधवार को यानी कुबा को रवाना होने वाला है। हमारे सूरीनाम के हर एक जनता, देखिए, एक पुलिसिफा यानी काबा एक बस्तीर अंतनार को पहले गिरफ्तार की, फिर उसके बाद फरहोर करने के बाद, पूछताछ करने के बाद उन्हें रिहाई कर दी गई है। ऐसे खबर मिला अखबार के जरिए कि वो सबसे पहले अपने पत्नी को यानी पत्नी पर हमला की है, यानी बद्रेखिंग एंड मिसहैंडलिंग। यहां पर लिखा है अखबार में कि वो आदमी एक बस्तीश आमचनार है और वो आदमी अपनी पत्नी को पिटाई पीटी से और अपने बेल्ट फ्रो को धमकी दिया है कि हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। यह बड़ा गड़बड़ बात है भैया, ये बड़ी गड़बड़ बात है। द करंट फॉर नेम दैट द मैन सेंट फ्रॉ सुख एंड सेंट बेल्टन फ्रॉ बद्रेख मैट द डोट, बहुत गड़बड़ बात है भाई। यहां पर पता चला है अखबार के जरिए कि इस अंतनार को शक हुआ कि उनका बेल्ट फ्रॉ उन्हें छोड़ दिया है और छोड़ करके उनका बड़ा बॉस को या जो कुछ बड़े दर्जा पर जो इंसान है उनको पकड़ लिया है इन्हें छोड़ करके। दिस अपरखीफ मोमेंट वेल्ड द ब्रिटन फ्रो द रिलैक्सी मैथम स्टॉप सेटन। ये बस्तीर अमतनार को शक हुआ कि इनका ब्रिट फ्रो अंडर रिलैक्सी मैथन लेडी खीफ इन द हार्ट उन्हें धमकी दिया कि तो के हम जान से मार डालें। होकर औरत रात्रि के समय यह सब बात अपने दोनों कानों से ठीक रूप में सुन रही है कि इनका पति इस बेल्ट फ्रो से गुफ्तगू कर रही है टेलीफोन द्वारा। अच्छा, ये बात तो हो रही है रात को, यह बात हो रहा है, बेल्ट फ्रो से गुफ्तगू कर रहा है। जैन फ्रो सख दैट द बस्तीस अंतनार टॉट लाट इन द आफोन बेसिक वाट में सेंट टेलीफोन। और वो शक हुआ उनको, अरे घर की औरत है भैया, कैसे शक न करी। घर की औरत शक की कि ये किसी औरत से बातचीत कर रहा है। अच्छा, बातचीत करने पर ये भी सुनिश्चित के जरिए कि तो क्या जान से आकर के मार डाल तू आदमी अंदर छोड़िए तब है? ऐसे ऐसे बात सुनी से जब ये टेलीफोन को रख रहा है, अब ये घर के औरत सवाल कर रही है। दुस्तून से हम अमरीकनशाप फ्रुख सुरुख है हार। अब देख तमाशा, बस वहां बेचारी मार खा ली से। तो आप तो जानते हैं कि वो नालिश की है और नालिश के बाद सिपाही पहले बातचीत किया है वो आदमी से और उनको भेज दिया घरे यानी रिहाई कर दिया। लेकिन ऐसा बात हुआ कि अखबार ने इसको एक आइटम बना करके और छाप दिया है अखबार, मंसलाट फ्रॉ एंड बद्रेख बेल्टन फ्रॉ। ये एक नाटक नाटक का आइटम भाई, समझे ना काका। मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी है लेखन व्यक्त में है, ये तो जानत है, सबको जानत है कि महात्मा गांधी, सब लोग उन्हें मोहनदास करमचंद के नाम से नहीं बुलाते हैं, महात्मा गांधी के नाम पर बुलाते हैं। वहां पर बगल में एक स्वर्फर, एक
झलुआ बांध करके महात्मा गांधी के बगल में लेटल है दादा है दादा। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी भाइयों बहनों, उनका जो मोन्यूमेंट है आप तो जानते हैं कि या मोन्यूमेंट पर बहुत से काम किया गया है और उसी के बगल में करमचंद मोहनदास महात्मा गांधी के बगल में एक चरफर झलुआ बांध करके वही में लेटल है महात्मा गांधी के बगल में लेटल है भैया झलुआ बांध करके। अब कोई सवाल उसे किया नहीं, तस्वीर बना करके लोग अखबार में छाप दिया, एक आइटम बना करके कि मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी के मोन्यूमेंट के बगल में एक आदमी झलुआ बांध करके और झलुआ में आराम कर रहा है। भाई बहनों से ईमान देसी बौतर से प्रेसिडेंट बौतर से अल्बर्ट अबोइकोनी को नया ग्रोथ अपर होफ फ्रॉम द स्टम देर सरमाकांडर से उन्हें बईद कर दिया है। कितना हीचातानी मचाओ परिवार ने कहा हम ये करेंगे और लोग के बाद और लोग लड़ाई होगा मचाओ परिवार जाल से एक बरादन। जब अबोइकोनी का ये ईद हो चुका है, अभी तक ये लोग कुछ किया नहीं, लेकिन ये लोग कहते हैं बेहतर है कि अबोइकोनी को प्रेसिडेंट पालमंटेन में छोड़ दे कि वहीं पर वो रहे और जंगल के तरफ मत आवे। अब देखो बाद में क्या हो रहा है, तो मचाओ परिवार काफी नाराज है। ए भैया सरनाम के हर एक जनता, तो आप तो जानते हैं कि तरह तरह के संदेश हम आपको पहुंचा रहे हैं और इन तमाम खबरों के अंदर में ये खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि हॉफस्टाउट अम्टरनार 395 किलो द्रक्षात इन फ्रेहेड एट होफ फन जुस्टिसी यानि एडवोकेट राउल लोबो के गुजारिश पर अम्टरनार श्याम शंकर को रिहाई कर दिया क्योंकि उन पर इल्जाम था फॉर बरेडिंग्स हैंडलिंग एंड फॉर हर 8 फॉर 395 किलो कोकाइन, उन्हें रिहाई कर दिया। इन पर इल्जाम था कि जो कार्रवाइयां ने किया है यानी 395 किलोग्राम ड्रग्स जो इस देश से एक्सपोर्ट होता और जिसका फोर बरेडी कार्रवाइयां जो ये किया है, इस पर इल्जाम लगाया गया और इनको अब छोड़ दिया गया है। यानी होफ फॉर यूस्टिसी यानी शुक्र शाम को यानी शंकर को रिहाई कर दिया है। इनको गिरफ्तारी था, इन पर इल्जाम था, लेकिन अब इनको छोड़ दिया गया है। प्यारे प्यारे लोग, अभी तक रिकार्डो ओ यानी जेल में है। रिकार्डो ओ फुटबॉल ट्रेनर, एक 15 साल के बच्ची को इन्हें फुटबॉल खेलना सिखाना चाहिए था, कैसे कि बाल को मारना चाहिए, बाल के पीछे कैसे दौड़ना चाहिए वगैरह वगैरह सिखाना चाहिए था। बस ये रिकार्डो उनको बलात्कार की, इस बच्ची को बलात्कार की नए दफे कई मरतबा। द ट्रेनर जिट न्यू इन द खफानेस, अब देखो कब उनको रिहाई हो रहा है। एडवोकेट लोग उनको छुड़वाने के लिए तरह तरह के सामान सामने पेश किया, लेकिन अभी तक वो छुटा नहीं, तो ये जेल में है। अरे भैया लोग, सब लोग देश के अंदर में बड़ी चिंता करता है कि जब वो लोग सुन रहे हैं कि 75 साल के बुढ़िया को शुक्रवार को डाउन पर ये बेचारी चल करके पैदल घर जा रही है, राजपुर व्यक्ति, ये बात है। हमारे सूरीनाम की जनता, एक ब्रोफिचर वहां से गुजरता है और इस बुढ़िया की ताश छीन लिया, बस बेचारा भड़बड़ा करके डाम पर गिर पड़ी, चोट भी लग गई है। ताश में कितना पैसा, शस्त्र SRD और कुछ कागज, भाग गया है डाकू। ए जो शफेर वालों को मैं बताना चाहूंगा,
चाहे जब तू गाड़ी चलाइए काकी मौसी नानी दादी तो गाड़ी भीतर से लॉक करके चलाइए। टोयोटा फिट सुख के बात है, होक स्ट्राट में चला करके जा रहा है भैया जी। SM के बात हम कर रहे हैं, SM गाड़ी चला करके जा रहा है। एक आदमी ने रुको बस रुक गए, बच्चा रुक गए ना काका, बस केवाड़ी खोल करके दुई गो कूद के बैठ गया पीछे से, और थोड़े देर में बस्ती शोफेर को खींच करके जमीन पर गिरा दिया, पत्थर पर आसमान पर इनका गाड़ी लेकर के भाग गया। बहुत चलाक आदमी रहा पप्पा, पे गई ए नन पे तक आख दिन दे तक। वो आदमी बोला ए चू गाड़ी स्टॉप कर दे, गाड़ी लॉक करके गाड़ी चलाओ भैया, क्योंकि किसी को भी किसी पर विश्वास नहीं है, अगर आप ऐसा ही करेंगे तो सबके गाड़ी लोग लूट लेगा। भाइयों बहनों तनी फुर्सत से रहियो, हमें पता चला है कि मरत्रेत में दो ड्रग्स पर सलाह दन, दो जो गांजा खींचते हैं, दोनों खींचते दोनों में कुछ बात बिगड़ गए, बस दोनों के पास रहा कुछ छुरा वगैरह, वो एक के पेट में घुसेर दिया छुरा, एक वो का पेट में घुसेर दिया दोनों गिर पड़ा, एम्बुलेंस दोनों को उठा करके स्पोर्ट एशन हेल्प को ले गया है, यानी कि मारत्रत की ये बात हुआ है। ए भैया मुझे पता चला कि कमोवेन में वहां पर जो देश काली है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर काली, वो आदमी बहुत से काम अब करवा रहा है कमोवेन में। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर काली कमोवेन में जितना बैरम एकदम न्यू एम्स्टरडम से लेकर के मारियम बेरख और कितनी आलकमार जितनी डाम सड़क यानी बैरम पर घास भूस जमल रहा, ये सब अब कटवा रहा है, सब काट करके अपरेम कर रहा है कि ताकि कमोवेन जो लोग वहां जाए तो कहे कि एक डिस्ट्रिक्ट है जो सफा है ठीक से सफा। और पता भी चला है कि जहां मारियम बेरख जहां पर खफाल हेल्डन के यानी कि मोन्यूमेंट और वहां के सेंटर जो है बसंत की शांति डलवाया है, एकदम चिकन पीछे मशीन काम कर रहा है और डैम बन रहा है, और कितनी डैम बटेशन किया गया है, देश काली ये सब काम वहां करवा रहा है भाइयों। और मुझे उम्मीद है कि देश काली डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अजय काली वहां पर और अच्छे अच्छे काम करवाएगा कमोवेन में, क्योंकि वहां की जनता उन पर आशा भी रखते हैं कि वो अच्छा काम करेगा, और इस वक्त बैरम वगैरह सफा होने लगा, सब अपराइम होने लगा, और सब साफ तौर पर दिखाना चाहिए कमोवेन न, तो ये देश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अजय काली ये काम वहां इस वक्त करवा रहा है, और आगे चल करके जो भी कराएगा अगले साल तक तो आप सुनेंगे देखेंगे, क्योंकि बहुत से काम उनकी अंदर है जो वो करवाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अजय काली कमोवेन का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर काम शुरू करवा दिया है। ए जनता ए भाई बहनों, आप लोग अखबार के कुछ खबर पढ़े होंगे, और हमारा तो यही काम है कि तुम्हें बता दिया जाए। देखो पैसा जो लोग गाड़ी में रख करके यहां वहां चल जाते हैं ये छछन है, छछन आप लोग करते हैं। कौन आदमी अपने गाड़ी में सुनिए तमाशा का काम 150,000 SRD 25,000 यूरो गाड़ी में छोड़ करके कुछ दूसरा काम कर गया करने के लिए। तुम्हें पता है भैया जहां तो गाड़ी में इतना पैसा रख लो बस वो गाड़ी उखाड़ करके लोग ले चला जाता है। ऐसे हुआ अनामुस्त्रात में, पुलिस से कहा गया कि हम गाड़ी पार्केर करके कुछ काम करने के लिए भीतर गए हैं, और जब लौट करके मैं आ रहा हूं तो क्या देख रहे हैं कि 150,000 और 25,000 यूरो और ये सब जितनी पैसा वैसा और था गाड़ी में लोगों टोर टार करके गाड़ी सब पैसा चोरी कर लिया है। जैस जब सुनो तो मोटर गाड़ी में से 100,000 पैसा चोरी होता है,
तनी फुर्सत तक हो जाइयो भैया लोग, ये सुन करके ना अच्छा लगे है ना। प्यारे लोग, बहुत दुख के बात है कि शरशांत लुशन मारेंखो 58 साल का आदमी, आखिर फ्राइड तक यार, शुक्रवार को उनकी पत्नी अनीता त्रिबल सेशन फेट तक यार, इन दोनों में फूट फाट होने लगा। लोग ने सुने घर में झगड़ा हो रहा है, जोर जोर से हल्ला होता घर के अंदर में, बस थोड़े देर में आवाज, गोली की आवाज लोग ने सुने हैं। 3 मर्तबा शरशांत लुशन मारेंखो अपने पत्नी के देही में और सर पर गोली मारी है, बेचारी गिरल है उसी मकान में और उनका मृत्यु हो गई। और उसके बाद शरशांत लुशन मारेंखो खुद अपने आप को आत्महत्या की, यानी गोली से, गोली चलाने से। ये बड़ी अफसोस की बात है। जब सिपाही गया वहां खुरखुटाते, कोई जवाब नहीं देता, तो दरवाजा खुला था, बस अंदर जो गए हैं तो दोनों को लाश मिला है। द फ्रॉ फरटोन द ड्रिच होटन आन हर रुख एंड हूफ्ट, और आदमी अपने सर पर गोली मार दिया और ये दोनों का मृत्यु हो गई है। मोर्ट एंड सेल्फ मोर्ट आन द बाबून गो रो गोरगो वैह गोरो गोरो वैह है। अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है भाई। ये बात अब सिपाही आगे ऑन शुक कर रहा है। आफोंस को लीरन के फरफूरदर सर मक्का में 5 महीना के पैसा नहीं पाया है। बेकांस आख फरफूरदर्स फॉर द आफोंस को लीरन फॉर द डिस्ट्रिक्ट सर मक्का, वो लोग को पैसा नहीं मिला है, इसलिए अखबार ने उसके बारे में जिक्र की है। अब अंदरवेज का मिनिस्टर और देसी लक्ष्मी नारायण दुबे इस पर गौर करेगा कि काहे के 5 महीना के पैसा इन लोग को नहीं मिला है, ना जन मिलल है, और हकदार वालों को जरूर मिलेगा। तो ये बात आगे बढ़ेगा, आगे ऑन सुख होगा। अब जाकर के बेलफोर ने कुछ कहा, भौजी सुनिए तमाशा। तू मिनिस्टेरी फन जस्टिची एंड पुलिची हेड ओपनबार मिनिस्टेरी अब एक समस्या को अंधसुख करने को अब जा रहा है। मुझे पता चला है द लेजन फंड नेशनल असेंबली, अरे दादा अब सुनिए तमाशा काका, द लेजन फंड नेशनल असेंबली दिए ना, ये बतरोकन जैन गवेस्ट बे करप्टिव हैंडलिंगन जिसे प्रोजेक्ट नासकोल्स ऑफ़फ़ाम, नासकोल्स ऑफ़फ़ाम तू जाने जमाना भंडार लगत रहा काका, भंडारा लगे तो क्या बताइला, वो खवैया वो खवाई तो से बताइला, दोनों हाथ से लोग खाते रहे ना, एक हाथ से वो खवाई बचा, अरे भंडारा लगत रहा बप्पा, हर एक स्कूल के सामने, घर के सामने, आमने सामने ये भंडारा लगत रहा। और अब पता चला कि कुछ असेंबली लीडर भी खूब भजन बनाई से, खूब भजन बनाई से बप्पा। ये कौन आदमी कहता बेलफोर, बेलफोर के है असेंबली ये थे कहां के इस नाम के और कौन पढ़ते के आबोब के, बोले कि जब असेंबली लीडर हो तो ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए, ओकरे बाद में काका ये तो जो भंडारा लगत रहा और जिसमें असेंबली गेट के नाम लिया गया है, ये बात अब उपमार मिनिस्ट्री ऑन द सुख करने को जा रहा है। आगे चल करके बेलफोर कह रहा है, हेड उपमार मिनिस्ट्री इस एन ऑन द सुख बखोनन नार एन आंताल फरमुदलक करप्सी जाकन वार ऑन कारिफेस्टा एलफ, तू जाने कारिफेस्टा एलफ जब आया था काकी, तो ढेर लोग जा करके किराया पर नाच के काम, नाच में भाग लिए हैं नचनिया। आज तक कितने बोले हमारे कढ़िया अभी तक पिराती है या पिराता है, क्योंकि हम वो नाच नचली है खड़े हो करके, निहुर हो करके, बकैया हो करके, खिस खिसा करके नचवा कर ली है और पिछड़वा वाला नचवा हमका दिखाई ली है, और आज हमारा कढ़ियाओ पिरा रहा है,
कारी फेस्टा एलो और बोले कि अबे तक पैसा न मिला नास को उस अफान आओ खबे इन्हें केंद्र बैसला जो पैसा लापता है सुशाल साक के एसएमएस में जो चोरी हुआ है टेलीसेल में जो चोरी हुआ है एनफी बी में जो चोरी हुआ बेलफोर कहता है कि ये सब चीज अंधसुख हो रहा है खास करके नास होल्स अफांग और करी फेस्टा 11 को पहले सरकार को यूस्टीसी को अंधसुख करना चाहिए अगर असेंबली लीडर इसमें है तो उनको पहले पकड़ पकड़ करके बंद करना चाहिए जेल में डाल देना चाहिए नास होल्स अफांग बोले कि बहुत से पैसा लोग कमाए हैं और करी फेस्टा में बहुत से नचनिया लोग को अभी तक पैसा नहीं मिला वो आज तक चिल्ला रही है कढ़िया पिला रही है तो पेट पिलाती है तो ये पिला रही है क्योंकि वो नचाई हुआ है करी फेस्टा में और वो नाच के पैसा अभी तक लोग को नहीं मिला तो ये बात अंधसुख हो रहा है उम्मीद है कि बहुत जल्द इसमें फैसला होगा जैसे बेलफोर का कहना है ये जनता मैं सब यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहा हूं और वो है रिश्तेदार फारूक इलाही बख्श और निशा इलाही बख्श अली हुसैन और उनके लड़के फारूक इलाही बख्श और निशा इलाही बख्श अली हुसैन इनके लड़के रोटरडाम से जो खास किताबें आज मेरे लिए भेजे हैं हेट फॉर हीफन करैक्टर फ्रॉम द प्रोफेट मोहम्मद फरीद सैयद और दूसरा किताब जिक्त फॉर स्क्रिप्टन एंड फॉर मानिंगन तो निशा और खास करके फारूक आप दोनों को मैं बहुत से बहुत शुक्रिया कर रहा हूं आप लोग के पकड़ मुझे मिला उसमें मिठाई जो है और 21 अगस्त के सिलसिले में मिठाई जो भेजे आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया फारूक और निशा इलाही बख्श अली हुसैन इनके बच्चे रोटरडाम से अच्छे किताबें हमेशा भेजते रहते हैं हमेशा अच्छे अच्छे किताबें नई नई किताबें जिस तरह से अब आए हैं हेट फॉर हीफन करैक्टर फ्रॉम द प्रोफेट मोहम्मद फरीद सैयद एंड दूसरा किताब जिक्त फॉर स्क्रिप्टन एंड फॉर मानिंग बहुत शुक्रिया फारूक और निशा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आप ये खबर को सुनते होंगे और मुझे उम्मीद है भी कि आप लोग को हमेशा अल्लाह और खुदा आप लोग को वो हिम्मत दे और आप लोग को तंदुरुस्ती रखे हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया फारूक और निशा तो ये था और आप जो कार्ड भेजे हैं ओल्ड इज द न्यू यंग टैक्स अच्छा है बहुत बहुत शुक्रिया ए भैया प्यारे प्यारे लोग हमारे जनता देखो हम तो इतना बात बताई भाई अगर जो आप अखबार को पढ़े होंगे दो आदमी को सिपाही गिरफ्तार की जो गाय और बैल जो चोरी किया सरमक्का में द पुलिस चीफ ऑफ ग्रोनिंगन दो आदमी को गिरफ्तार किया जो वहां ग्रोनिंगन सरमक्का में बैल और गाय चोरी हुआ उसके सिलसिले में दो लोग को गिरफ्तार किया गया यूनि महीना में आखिफ्त हुआ कि एक सैबाना से एक बैल एक गाय चोरी हुआ सैबाना से आप तो जानते हैं द स्टीर एंड द कू सैश्लाख्त एंड द स्टीर बैल को काट करके और सब गोश उठा ले गया और गैया को चोरी करके ले गए हैं ग्रोनिंगन का सिपाही तभी से तलाश था इन दोनों को बस अब जाकर के ये दोनों गिरफ्तार हुआ प्यारे लोग एक आदमी तो चला एक अभी तक है सिपाही उनके गिरफ्तार की है बंद है ऐसा मुसीबत है देश में बाप बहुत मुसीबत है काका लेकिन करियो तो क्या करियो ये तमाशा रहेगा
क्योंकि ये बहुत जमाना से लोग गाय बैल को खेत ही में सैबाना में काट करके चमड़ा और सर को छोड़ करके और गोश्त वहां से उठा ली जाता है। ये ना आज की बात है, वर्षों सालों से ये बात होता है। ए भैया, एक क्लेश में से 25,000 अनक्लेश दैट 520,000 अमेरिकन डॉलर 5,000 यूरो और अच्छे अच्छे कागजाते डॉक्यूमेंट, यानी ये चोरी हुआ है। द ब्रॉडकास्ट वॉज इन द स्लैब कमर फ्रॉम द आन हीफर। ये चोरी हुआ है रात्रि के समय एक मकान और भूख नीट, ये पलंगा उखाड़ करके पहले घुसे हैं घर में और चोरी करके सामान ये लोग ने भाग गया है। आप खुद बताइए प्यारे प्यारे लोग कि ये सब चीज जो हुआ है ना, ये सब चीज होता ही रहेगा जब घर में इतना इतना पैसा आप रखेंगे तब। अरे घर में कौन जरूरी इतना पैसा रखने के लिए है? सब लोग को पता है कि हम लोग के देश में फिलिपाइनन बहुत है। फिलिपाइनन सरनाम में काम करता है और इस वक्त 500 फिलिपाइनन सरनाम यहां नौकरी कर रहा है हर एक जगह पर। अभी कुछ दिन पहले फिलिपाइनन का नीचरेसी देर अम्बेसडर सरनाम में पहुंचा, मारिशो मौरो उसका नाम है, मारिशो मौरो। मारिशो मौरो प्रेसिडेंट बाउटर से बातचीत की है और इल्दिस पोलाक बिगल से जो मिनिस्टर है फ्रॉम ब्रिटेन साक, ये सब उनको टूस्टमिंग दे दिया, इजाजत दे दिया कि अगर और फिलिपाइन सरनाम में आना चाहता है तो उन्हें मौका है। ये सरनाम में वो आकर के और अपना अपना जो काम करना चाहते हैं, जो जगह पर जो एरफारिंग जो उन लोगों को होगा तो अपना काम यहां कर सकते हैं। तो फिलिपाइन से और लोग यहां आ सकते काम करने के लिए, क्योंकि 500 फिलिपाइन इस वक्त काम कर रहा है और यहां पर और लोग भी आ सकते हैं काम करने के लिए। फिलिपाइन के बात यह है। आज के दिन जो है भैया, आज के दिन यानी 13 अगस्त आज है ना, तो आज के दिन जो है काका, 13 अगस्त इंटरनेशनल लिंक्स हंदखंदख, लिंक्स हंदखंदख, जो लोग बाया तरफ से बाया तरफ के हाथ से लिखते रहते हैं और कारोबार करता है। देखिए हमारे देश में रेक्टर हाथ से लोग काम करते हैं और लिंकर हाथ से भी काम करते हैं, रेक्टर हाथ से लिखते रहते हैं और लिंकर हाथ से भी लिखते रहते हैं, हर एक काम भी लिंक्स हंदखंदख, लिंक्स हंदखंदख है यानी लिंकर हाथ से काम करते रहते हैं लिखते वगैरह सब ना। तो एक इंटरनेशनल दख के करार दे दिया गया है। इन 1975 तक द अमेरिकन डीन एर कैम्बल इस दिन को लिंक्स हंदखन के लिए इसको इंटरनेशनल डाक करार दिया है, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे ये करार दिया है, यानी प्रदेश के बात ये है। तो जितना लोग लिंक्स हंदख है हमारा देश में उनको भी इज्जत है उतने जितने रेक्टर हाथ लिखता है, और लिंक्स हंदखन के लिए डे यानी कि इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे का करार दिया गया है। इसे इम्तियाज है लिखते हैं। और बराक ओबामा वो भी लिंक्स हंदख है ना, तो उस इन लोगों के लिए
یہ دن کا مقرر کی گئی ہے. کبھی تیز دوڑ پر برندلن سے ارے بپا اب دیکھیے تماسا کاکا دورپن اپورا وشابو سیکشن اور یالا یہ سب لوگ اب یہ ایک زبردست ایک سمبندھ جوڑنے لگا ہے ایک دورپن برندلن سے. اب کا کریے کان کے لیے پتا نہیں ہے لیکن یہ بات ہم لوگ کو پتا چلا ہے. 15 اگست کو سینیورن داخل نکیری میں 400 لوگ نام لکھا چکے ہیں. لفداد خیستختنگ بین اولیویرا 400 سینیورن برخرس کو یعنی کھوائے گا پیائے گا بیسما دی کے روز. یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ ال سینیور کریک نہ ایٹن اینڈ ڈرنکن ان فوٹسل پکٹ مینر ہیش. تو یہ پاستور ہوپ واخنگن سے آ کر کے وہاں تقریر کرے گا اور یہ سٹیکٹنگ 4 سال سے یہ سمسیا کر رہا ہے. بگس مادی نکیری میں اگست کے 15 تاریخ رہے گا. 400 سینیور بیورکریٹس کو نیوتا دیا گیا ہے. ایشن بیسن سین اوم سینیور بیورکریٹس فور فورن ابھی ایک پرماریبو سے بھی جائے گا 1 کروڑی سے کچھ واخنگن سے ہینا پودر سے نیو نکیری سے. یہ سب 400 سینیور بیورکریٹس کو کھوائے گا پیائے گا اور ان کو عزت برسے بخشے گا. تو یہ بات مجھے پتا چلا آپ تک پہنچانے کے لیے. ہمارے جنتا سورینام کے جنتا بھائی اور بہنوں اور جنتا دیکھو بات ایسے ہے کہ ہم لوگ کو سنیسا آپ تک پہنچانا پڑتا ہے. یہ اچھا ہے کہ آپ سب بات آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے. دیکھو ایک آدمی نے کتنے لوگ کو ٹھگے ہیں کتنے لوگ کو ٹھگے لیکن انسان نہ سمجھ پاوت ہے کہ انہیں باہر کے لوگوں سے کانٹیکٹ باہر کے لوگوں سے بات چیت نہیں کرنا چاہیے اگر کھیپ کے بارے میں بات چل رہا ہے. تب چوالیس سال کا راکیش کمار 67 لوگ کو ٹھگے ہیں کاکا زیفنن زیستہ لوگ کو ٹھگے ہیں. پیسہ لیتا ہے کہ ہم زمین آپ کے لیے ٹھیک کروائیں دیں گے کافلز وغیرہ جو لانٹی کے ہیں آپ کے نام پر کروا دیں گے وغیرہ وغیرہ اور وہی چیز میں انسان پھنسا پڑا ہے. 44 سال کا راکیش کمار 25 جولائی کو ان کو سپاہی گرفتار کی ہے. ڈومبرو کا پولیس ان کو لے جا کر کے بند کری سے. راکیش کمار ایل جنتا کو ٹھگے ہیں کہ ہم زمین آپ کے نام پر کروا دیں گے ایک کر دیں گے ایک کے لیے ایک سے لیا ہے 9950 ایس آر ڈی ایک سے 11700 ایک سے 2300 ایک سے 3000 ایسے کر کر کے 67 لوگ کے پیسہ یہ ہڑپے ہیں. سیفرن سیستک پرسونن تہبن یہ سیفرن سیستک کے سیف سے پیسہ انفان کیا ہے راکیش ایل. یہ آدمی کتنے لوگ کو ٹھگے تھے پہلے لوگ کو پتا تھا لیکن پھر بھی راکیش کمار کے باتوں سے راکیش کمار کے باتوں کو یقین کرنے لگا اور انہیں جا کر کے پیسہ دینے لگا. سیفرن سیستک ترسونن سپاہی آپ اگر آپ نالش نہیں کیے ہیں تو آپ جا کر کے اپنے آپ کو یہ نالش لکھوائیے کیونکہ جتنا لوگ نے لکھوا چکا ہے ان کا مقدمہ شروعات ہو چکا ہے. جیسے میں نے کہا ایک نیخ درجن نیخ اور ایک الف درجن زیف ہنڈریڈ ایک تری درجن 300 ایک دری درجن اور اب پتا چلا کہ سیفرن سیستخ لوگ کو ٹھگے ہیں
कि आपका जमीन जो इस वक्त फंसा है, हम आपकी जमीन आपके नाम पर करवा सकते हैं वगैरह वगैरह। काहे कि आप लोग न समझते भाइयों कि सरकार के कंतोर में जाकर के और आपको बातचीत करना चाहिए खेत के बारे में, न दाम पर कोई इंसान से कोई अब देखो आपको पैसा लूट लिया है, अब सिपाही राकेश को ले जा करके बंद की है, अब देखो बाद में क्या हो रहा है। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे भैया लोग, अच्छा से रहियो, प्रेम से रहियो, और छुट्टी मनाने के समय आ गया है फकांसी फकांसी फकांसी। ये फकांसी में दारू पी पी करके झगड़ा मत करना, क्योंकि पता चला कि रम के अलावा एक नया पीने के सामान बना लो का नाम दारू भी रखा गया है। उस बोतल पर दारू लिखा है, दारू श्रीनाम के दारू, और सुनी पी पी आदमी लोग एकदम से पगला गया है। ए भैया ये दारू पी पी करके मोरी खराब न करियो बाप, दारू पी पी करके अपना मोरी के हैरसने जो है उसको बर्बाद मत करना। दारू पी करके लोग तनी खुशियाली में रहना चाहिए, न झगड़ा फसाद करो तो तनी फुर्सत तक रहियो। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।